स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर। सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं RRB ग्रुप डी टॉप 10 साइंस के क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए भाई क्लास को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन ए दिया गया रिटर को, बी दिया गया ब्राउन को, सी दिया गया अरस्तु को और डी दिया गया खुराना को। तो याद रखिएगा पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय रिटर को जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी लोगों को याद रखना है, क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, यदि संसार के पौधे मर जाएँ तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। ऑप्शन ए दिए गए भोजन, बी दिया गया ऑक्सीजन, सी दिया गया कष्ट और डी दिया गया वायु। तो याद रखिए अगर सभी पेड़ नष्ट हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थित पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन ए दिया गया रेगिस्तान, बी दिया गया पर्वत, सी दिया गया महासागर और डी दिया गया वन। तो सभी लोगों को बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन याद रखिएगा सी हो जाएगा महासागर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा महासागर। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है भूवैज्ञानिक चक्र, बी दिया गया भू रासायनिक चक्र, सी दिया गया रासायनिक चक्र और डी दिया गया जैव भू रासायनिक चक्र। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। क्या हुआ, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्रण, याद रखिएगा। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया नाइट्रोजन, बी दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, सी दिया गया मीथेन और डी दिया गया नाइट्रस ऑक्साइड। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी कि हरित गृह गैस नहीं है। कौन सी नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट्रोजन। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्दावली किससे प्रस्तुत की गई, बताइएगा। ऑप्शन ए दिया गया थिनेमन, बी दिया गया टेंसले, सी दिया गया फोबर्स और डी दिया गया वार्न सूखे। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा टेंसले, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा टेंसले। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन ए चंद्रमा, बी समुद्र, सी सूर्य और डी हवा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सूर्य से। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, क्वेश्चन दिया गया राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया बंगलुरु, बी दिया गया शिमला, सी दिया गया कोलकाता और डी दिया गया लखनऊ, यानी राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा लखनऊ, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा लखनऊ। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा सभी लोग, क्वेश्चन दिया गया चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है कटाई से, बी दिया गया संस्कृत प्रदूषण से, सी दिया गया है जल प्रदूषण और डी दिया गया है ध्वनि प्रदूषण। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा। सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन ए हो जाएगा वन कटाई से। चिपको आंदोलन यानी कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वन कटाई से। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, बी दिया गया ये एक बंद तंत्र है, सी दिया गया ये प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है और डी दिया गया ये अजैविक एवं जैविक दोनों संकटों को युक्त कर होता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह एक बंद तंत्र होता है। क्या भैया, यह एक बंद तंत्र होता है। सभी लोगों को याद रखना है, तो सभी लोग याद रखिएगा। और तो और एक बात याद रखना है आप लोगों को, सभी लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। हमारा चैनल है ऑफिशियल टारगेट स्टडी, सभी लोग जाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और छोटे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।